Now next one, more interesting example is 7 in that case, because here interesting case is that expressions. In that case, simply we are declaring three variables x, y and result. Initial value of x, y is 1 and result is garbage. Then how to solving above expressions? Which expressions? Result equals to x equals to 5 and y equals to 10. How to solve that problem? In that case, there are four operators, assignment, bit logical, and again assignment. In this case, highest priority is taken by logical operators over the assignment. Next one, सबसे पहले इस केस में सॉल्व क्या करेंगे? Assignment, logical and operations. And के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करें व्हाट इज द ऑपरेंड पार्ट फॉर एंड. एंड के केस में फर्स्ट ऑपरेंड कब तक कंसीडर होगा? अप टू हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेंड. तो इस केस में जब लेफ्ट हैंड पार्ट में चेक करेंगे 5 के बाद जस्ट क्या है? असाइनमेंट. अगर असाइनमेंट और एंड को कंपेयर किया जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका? एंड का. असाइनमेंट का प्रायोरिटी कैसा? लीस्ट. तो इस केस में एंड के लिए फर्स्ट ऑपरेंड लॉजिकली क्या हुआ? ओनली 5, नॉट एक्स इक्वल टू 5. सिमिलरली व्हाट इज द सेकेंड ऑपरेंड फॉर एंड? सेकेंड ऑपरेंड तब तक कंसिडर किया जाएगा जब तक हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर फाउंड हो रहा है. तो इस केस में अगेन एंड के लिए सेकेंड ऑपरेंड क्या हुआ? ओनली वाई, नॉट अ असाइनमेंट, और वाई इक्वल टू 10. नेक्स्ट वन, देन इसके जस्ट बाद सबसे पहले प्रायोरिटी के बेस पर सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म क्या हो रहा है इस केस में? एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन 5, सेकंड कंडीशन क्या? वैल्यू ऑफ वाई इज वन. फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 2, देयरफॉर रिजल्ट ऑफ दिस एंड एक्सप्रेशन इज ट्रू. टू मीन्स 1 इक्वल टू 10. फिजिकली अगर बात करें तो इस केस में राइट एंड असाइनमेंट से जस्ट पहले परफॉर्म क्या हो रहा है? लॉजिकल एंड के केस में किसी भी ऑपरेटर केस में नॉट ओनली लॉजिकल, कोई भी ऑपरेटर सॉल्व होने के बाद वैल्यू किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? रिजल्ट किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. देन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करें तो असाइनमेंट के प्रायोरिटी से हम इसलिए राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे. इस केस में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए लॉजिकली लेफ्ट ऑपरेंट का फाउंड हो रहा है वैल्यू, और वैल्यू के केस में बात करें कभी भी लेफ्ट ऑपरेंट एज अ वैल्यू यूज करना पॉसिबल नहीं है, वैल्यू में वैल्यू असाइन करना पॉसिबल नहीं है. इसका लॉजिकल बिहेवियर क्या? सिमिलर टू लाइक दैट 1, नाउ 10 इज असाइन टू द वैल्यू, देयरफॉर इट हैज कंपाइल टाइम एरर कॉल्ड एज एल वैल्यू रिक्वायर्ड. देयर इज नो आउटपुट, कंपाइल टाइम एरर विल बी रेस्ट. व्हाट इज एरर मैसेज? एरर मैसेज इज एल वैल्यू रिक्वायर्ड. Clear? Again, next one. In that case, again, first of all, जब इस expression को solve करें तो सबसे पहले solve क्या हुआ? Bracket solve होने के बाद जब भी इसका result raise होगा तो result किस form में आएगा? In the form of value. Logically इसका result किस form में आ रहा है? Values के form में. तो logically finally plus किसके लिए apply हो रहा है? Values के लिए, variables के लिए? Values के लिए. और value में increment करना possible नहीं. Therefore, again, कंपाइल टाइम एरर मैसेजेस अगेन एल वैल्यू रिक्वायर्ड. इस एल वैल्यू रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली फिजिकली किसी वैल्यू में इंक्रीमेंट करो तभी रेज होगा. लॉजिकली अगर प्रीवियस केस में बात करें एक्सप्रेशन क्या था, अगर आपने राइट किया है 5 और x प्लस 5 प्लस, तो इसके साथ ब्रैकेट पहले सॉल्व हुआ, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? वैल्यूज के फॉर्म में, और वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है.